अलवर न्यूज के रिपोर्टर युवराज शर्मा के अनुसार भगवा रक्षा दल के जिलाध्यक्ष संदीप राजपूत के नेतृत्व में अभियान कोई भूखा न सोए की मुहिम के 10वें दिन स्टेशन पर बेसहारा विकलांग एवं गरीब लोगों को खाना खिलाया एवं कपड़े एवं जूते चप्पल दान दिए। कार्यक्रम में वार्ड 48 पार्षद अजय पुनिया का सानिध्य मिला। आज हमने भगवा रक्षा दल के जरिए एक मुहिम छेड़ी हुई थी जो गत 8 या 10 दिनों से चल रही है, आज उसका 9वां दिन है। उसमें हमने ये कार्यक्रम को बढ़ा के जितने भी गरीब और ऐसाए जो कोरोना काल में यहाँ पे पड़े रहते हैं भूखे, उनको उठा के उनको खाना खिलाया जाता है। उसमें आज हम सभी जो भी भूखे और प्यासे लोग थे उनको सबको खाना खिलाया है और उनके साथ साथ उनको उनके कपड़े एक एक जोड़ी कपड़े भी उनको वितरण किए हैं और जिनके पास चप्पलें जूते नहीं थे उनको चप्पल जूते वितरण किए। देखिए, मैंने आज पहली बार मुझे मौका मिला है भगवा रक्षा दल के कार्यक्रम में शामिल होने का। आज से कुछ दिन पहले मैंने भी देखा था, कोर्ट के अंदर मैं गया था, तो राजस्थान में या हिंदुस्तान में या विश्व में कहीं भी किसी भी क्षेत्र में अगर सनातन संस्कृति पर किसी भी प्रकार का कोई हमला होता है या सनातन संस्कृति को चुनौती दी जाती है, हिंदुत्व के ऊपर कहीं भी कोई आक्षेप लगता है, किसी तरह का भी कोई कुठाराघात होता है, तो ये अलवर के जो नौजवान हैं जो भगवा शक्ति दल के बैनर के नीचे जो लोग काम कर रहे हैं, मैंने न्यायालय में देखा था, अभी जो राजस्थान का मामला हुआ था उन्होंने बड़े ज़ोर शोर से, अहम संख्या का नहीं, लोग धीरे धीरे चलेंगे तो लोग जुड़ते चले जाएंगे। आपका उद्देश्य, आपका ध्येय, आपका लक्ष्य वो बिल्कुल स्वच्छ पाक साफ होना चाहिए, उसके बाद में जनता के बीच में जब लोग जाएंगे। आज चर्चा करते हैं शहर के अंदर लोग, आज से पहले यूँ समझो कि 3-4 महीने पहले तक, 5-6 महीने पहले तक सार्वजनिक जीवन में हम लोग भी रहते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, हमने भी इतना नहीं सुना था, लेकिन संदीप जी ने, माथुर साहब ने, हमारे सार सर जी ने, इन लोगों की जो टीम है नौजवान साथियों की, इन्होंने जो एक कार्यक्रम किया है अलवर के अंदर, एक अपनी अलग पहचान बना रहे हैं और हिंदुत्व को पुनर्जीवित करने के प्रयास में जो पूरे राष्ट्र के अंदर, पूरे विश्व के अंदर जो है एक जो है वो उसको लेकर ये जो लोग चले हैं लक्ष्य को, और उसमें स्पष्ट रूप से हमारी जो है भारतीय सभ्यता और संस्कृति कहती है कि हमारे यहाँ जाति धर्म, मतलब धर्म के अंदर किसी भी तरह की जाति की वैमनस्यता नहीं है। हमारे इसमें हमारे जितने भी जो हैं शोध ग्रंथ हो, चाहे हमारे वेद हों, चाहे पुराण हों, उनमें स्पष्ट कहा हुआ है कि हिंदु है सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र है समानता। तो इस भाव को जो देखेंगे आप, देखेंगे यहाँ वाल्मीकि समाज के लोग भी खड़े हैं और राजपूत समाज का लोग भी खड़ा है और ब्राह्मण समाज का लोग भी खड़ा है, तो सामाजिक समरसता का जो एक समूचा स्वरूप जो यहाँ दिखाई दे रहा है, इसके लिए मैं इन मेरे नौजवान साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।